तो दोस्तों आज मैं आपको रेलवे की उस पोस्ट के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। पैसा ही पैसा होगा, मजा एकदम। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुड्स गार्ड और ट्रेन मैनेजर की, जिसमें आपको मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, पोस्टिंग, ड्यूटी, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी, लीव, ट्रांसफर फैसिलिटीज और फीमेल के लिए जॉब अच्छी है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को दोस्तों शुरू कर लेते हैं। जी हाँ, मैं हूँ अनुराग दीक्षित और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत कर लूँगा तो मैं आपको ये बता दूं कि रेलवे में जो ट्रेन मैनेजर होता है, जो गुड्स गार्ड होता है, लेवल 5 की जॉब है, 2800 ग्रेड पे होता है। अब इसकी सबसे ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट इसको क्यों कहा जाता है, उसको डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में आगे की मिल जाएगी सारी जानकारी के साथ साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ, सबसे पहले तो आप गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर कैसे बन सकते हैं, इसके तीन रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा होता है कि आपको क्या करना होगा, कंपेंसेशन ग्राउंड पर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, यानी अगर आपका कोई व्यक्ति या कोई जानने वाला या जिस पर आप डिपेंडेंट है वो रेलवे में होता है और ऑन द ड्यूटी टाइम उसकी कोई डेथ हो जाती है तो आपको कंपेंसेशन ग्राउंड पर ये बनाया जा सकता है। दूसरा होता है कि अगर आप रेलवे में लेवल 1, 2, 3, 4 तक अगर किसी पद पर है तो आप GDC या LDC का एग्जाम देकर आपको ट्रेन मैनेजर या गुड्स गार्ड की पोस्ट मिल सकती है, जिसमें आपको 30% का प्रमोशनल कोटा भी मिलेगा। और तीसरा होता है आपके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें आप NTPC के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जैसा भी आपको दिख रहा है कि ग्रेजुएट लेवल वाली पोस्ट के लिए आपके पास 3100 वैकेंसी हैं, जिसमें ये पोस्ट है जो लेवल 5 की है। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन या मैं बात कर लेता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपको क्या होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 1, जिसमें 90 क्वेश्चन, 90 मिनट, 100 मार्क्स। दूसरा CBT 2 होगा, जिसमें 90 मिनट के लिए आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे और 120 नंबर ही होगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि अब की बार दोनों के लिए ही 35-35 क्वेश्चन मैथ के हो गए, मतलब CBT 1 में भी 35 और CBT 2 में भी 35। इस बार 5 क्वेश्चन बढ़ाए गए CBT 2 में। और अगर आपको कट ऑफ की जानकारी लेनी है इसके कट ऑफ की, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहां पर आपको इसके कट ऑफ की जानकारी मिल जाएगी कि पिछली बार 2019 वाला जो कट ऑफ था वो क्या था। अब बात करते हैं, इसके बाद आपका DV होता है। जब आप CBT 1, CBT 2 में क्लियर हो जाते हैं तो DV होता है। यहाँ से यहाँ पर CBT 1 से CBT 2 आने में 15 गुना लोग होते हैं और फिर वहाँ से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आते हैं, ठीक। इसमें कोई स्किल टेस्ट की जरूरत नहीं होती कि टाइपिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कोई ऐसा स्किल टेस्ट नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल पर आप लोग पहुँचते हैं। किस पर पहुँचते हैं, मेडिकल पर। अब मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि जब आप मेडिकल में पहुँचते हैं तो 2019 में मेडिकल में क्या था कि अगर 100 पोस्ट थी तो कुछ ज्यादा बच्चे मेडिकल के लिए बुलाए गए, लेकिन इस बार आपको ध्यान रखना होगा कि मेडिकल के लिए उतने ही बच्चे क्लियर होंगे, उतने ही बच्चों का मेडिकल होगा जितनी वैकेंसी। अब यहां पर अगर मैं मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करता हूं कि गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है उसकी अगर मैं बात कर लेता हूं, तो मेरे प्यारे भाई ये A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, C2 नहीं होता है। यहां पर ये A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। अब A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के विषय में मैं आपको बता देता हूं कि दोनों आंखों की दृष्टि जो है वो 6x9 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 6x9, और आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मतलब अच्छे से चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, इतना होना चाहिए। दोनों आंखों की दृष्टि 6x9 होनी चाहिए। इसके बाद जितने भी डिस्टेंस विजन टेस्ट, बाइनोकुलर विजन टेस्ट और जितने भी विजन टेस्ट होते हैं वो सारे आपको क्लियर होने चाहिए, मतलब उसमें कोई वो नहीं होगा। अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर है तो आप ट्रैफिक असिस्टेंट, अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर और असिस्टेंस स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आगे लेकर चलता हूं कि गुड्स गार्ड के लिए ट्रेनिंग कब होती है, कहां होती है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ट्रेनिंग में आपको कितना पैसा मिलता है। तो 50 दिन की ट्रेनिंग होती है गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर की, जो ZRTI में होती है, जोन के जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होती है, किसी भी जोन के, ठीक है। अगर उस जोन में उसका ZRTI नहीं है तो किसी दूसरे जोन में आपको ये ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के समय आपको जो पैसा मिलेगा, जिसे आप स्टाइपेंड के नाम से जानते हैं, वो पैसा आपको 29,200 के बेसिक के साथ, जो आपका महंगाई भत्ता है 14,600, उसका 50% आपको ट्रेनिंग के समय पर लगभग 43,800 रुपये मिलेगा, जिसे आप किस नाम से जानेंगे, स्टाइपेंड के नाम से, ठीक है। ये इसका ट्रेनिंग के समय का भत्ता होता है। आगे बात कर लेते हैं पोस्टिंग कहाँ होती है, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ड्यूटी टाइम क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखने वाले हो। अगर मैं पोस्टिंग की बात कर लेता हूँ तो इसकी पोस्टिंग एक्स या वाई सिटी में ही होगी, जेड सिटी में, जेड क्लास सिटी में इसकी पोस्टिंग नहीं होती गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर की।
बड़े जंक्शन या बड़े स्टेशन पर आपको वो मिल जाएगी पोस्टिंग, जहाँ साइडिंग हो। साइडिंग का मतलब जहाँ ट्रेन खड़ी करने की जगह होती है, लोग आगे पीछे की चीज़ें दिखाई देते हैं। और सबसे एक चीज़ ये होती है कि जब आप गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर बनते हैं तो आपका ऑफिस जो होता है वो उसकी ब्रेक वैन या जिसे आप लोग गार्ड वैन कहते हैं वही होता है। मतलब आप ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं यहाँ पर, यही आपका ऑफिस होगा, जिसमें एक लोहे की कुर्सी होगी, एक लोहे की बेंच होगी और कुछ नहीं होगा, ना लाइट होगी ना पंखा होगी। आगे आने वाले समय में इनको अगर इन गार्ड वैन को या ब्रेक वैन को सुधार कर इसमें थोड़ी सुविधाएं दी जा सके तो अच्छा होगा, क्योंकि गर्मी के समय में ये चीजें जो होती है, टीन का एक डब्बा है जो आपके लिए बड़ा ही दुखदाई होता है, गर्मी भीषण होती है, विकट होती है, तो उसमें लगभग 46, 47, 50 डिग्री के टेम्परेचर पर इसमें सर्वाइव कर पाने के लिए लोग अपने पंखे, अपनी सुविधाएं लेकर जाते हैं, जो ये गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगर इनके ड्यूटी टाइमिंग की, तो ड्यूटी टाइमिंग फिक्स नहीं होती, दिन या रात कभी भी लग सकती है, कभी भी लग सकती है। वैसे अगर नॉर्मली बात की जाए तो ड्यूटी आवर्स 8 घंटे के होते हैं, लेकिन अगर कभी ट्रेन लेट हो जाती है, 2, 4, 10 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं, तो आपको वो ट्रेन में ही रहना होगा। लेकिन यहाँ पर फायदा ये होता है कि जो 2-4 घंटे ट्रेन लेट होगी उसका आपको पैसा मिलेगा। और अगली बात, ये रनिंग स्टाफ होता है। रनिंग स्टाफ का मतलब जितने किलोमीटर ट्रेन चलेगी पर किलोमीटर के हिसाब से भी आपको पैसा मिलेगा, साथ ही साथ डे का भी पैसा मिलेगा। इसलिए से रेलवे की सबसे ज़्यादा अधिक सैलरी वाली पोस्ट कहा जाता है। ये पैसा कितना होगा, वीडियो में आगे आप बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, एक ड्यूटी के बाद 16 घंटे का आराम मिलता है, यानी एक यात्रा, एक ट्रैवलिंग हो गई आपकी, मान लीजिए 8 से 10 घंटे की हो गई, तो उसके बाद 16 घंटे का आराम को मिलेगा आपको। फिर उसके बाद नाइट या डे शिफ्ट कभी भी आपकी ड्यूटी लगेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए ड्यूटी टाइमिंग हो गई। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, तो जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं कि क्या काम यहाँ पर इनको करना होता है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है। इसको मैंने आपके लिए हिंदी में टाइप करा लिया है। इनिशियल आपको गुड्स गार्ड की पोस्ट मिलेगी, ट्रेन मैनेजर की नहीं, इनिशियल आपको गुड्स गार्ड की पोस्ट मिलेगी। और पूरी सर्विस में, पूरी सर्विस में, मान लीजिए आप 30 साल की उम्र में लगे या 25 साल की उम्र में लग गए या किसी उम्र में लग गए, तो पूरी सर्विस में आपके लिए काम एक ही जैसा होगा। काम क्या है, गाड़ी का निरीक्षण करना होता है, पूरा इंस्पेक्शन करना होता है, लोको पायलट के साथ गाड़ी चलने के समय पूरी गाड़ी को, गाड़ी चलने के पहले पूरी गाड़ी को चेक करना है, कहीं बॉम्ब तो नहीं रखा है, कहीं कोई चीज़ डिस्टर्ब तो नहीं है, कहीं कोई टायर मतलब उसके व्हील में तो दिक्कत नहीं है, ऐसा पूरी गाड़ी को चेक करना है, गाड़ी की एसी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो ये काम इनका होता है। फिर उसके बाद स्टेशन मास्टर और लोको पायलट के साथ सिग्नल एक्सचेंज करना, पीछे देखा है आपने चलती हुई गाड़ी में आदमी हरी झंडी दिखाता है, लाल झंडी दिखाता है, तो ये सिग्नल एक्सचेंज होता है स्टेशन मास्टर के साथ, गुड्स गार्ड का। गुड्स गार्ड फिर एक्सचेंज करता है किसके साथ, अपने लोको पायलट के साथ। ठीक है, गाड़ी में किसी भी प्रकार की कोई खराबी आ जाएगी तो कंट्रोल रूम में जानकारी देने की जिम्मेदारी ट्रेन मैनेजर या गुड्स गार्ड की ही होती है। उसके बाद गाड़ी के टाइम को रिकॉर्ड करना कि गाड़ी किस समय चलती है, किस समय पहुंचती है, ये टाइम रिकॉर्ड करके, जैसे हमारे पास चार्ट आता है ना, अराइवल टाइम ये है, डिपार्चर टाइम ये है, तो वो जानकारी किसके द्वारा दी जाती है, वो जानकारी गुड्स गार्ड के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, ड्यूटी से लेकर ऑफ ड्यूटी होने तक पूरा रिकॉर्ड, आप ड्यूटी पर कितने बजे ट्रेन में पहुंचे, आपने ड्यूटी से के बाद ट्रेन कितने बजे छोड़ी, ये पूरा रिकॉर्ड जाकर स्टेशन मास्टर को सौंपना भी इनका काम होता है। और आपको बता दें तो इसमें फिजिकल वर्क बहुत है, तो आप शारीरिक कार्य से तो मतलब थकावट महसूस करेंगे ही करेंगे। ये इनका पूरा जॉब प्रोफाइल है, किसका, गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर का। मेरे प्यारे दोस्त, अभी तक आप अगर वीडियो में बने हैं और एनटीपीसी में इस बार सिलेक्शन चाहते हैं, गुड्स गार्ड की पोस्ट चाहते हैं, तो मेरे प्यारे भाई ये एनटीपीसी का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, लाइव बैच, जिसे आप CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन माई पाठशाला एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इन दोनों में किसी भी नंबर पर कॉल करके आप बैच की इनरोलमेंट कर सकते हैं और बैच के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो इन नंबर्स पे या एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन पे डायरेक्ट ये कोड अप्लाई कर देना, और अगर आप इन नंबर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हो तो जो भी कॉल उठाता है उनको अपना कोड Capital A Capital D 10 बताएंगे, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की जानकारी पे चलते हैं कि प्रमोशन क्या होता है। देखिए, इस गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर में पूरे जीवन में आपको एक ही प्रमोशन मिलेगा। 2800 ग्रेड पे की इस जॉब से आप केवल 4200 ग्रेड पे तक जा सकते हैं, और ये आपको 3 से 4 साल के भीतर मिल जाएगा, और फिर ताउम्र आपको इसी में काम करना है। इसमें प्रमोशन केवल एक ही होता है, और ये प्रमोशन 3 से 4 साल के में आपको मिल जाएगा। यानी गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर 2800 ग्रेड पे से आप सीनियर पैसेंजर टीम ट्रेन मैनेजर या फिर मेल ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं, जो कि आप 4200 ग्रेड पे पर बन जाएंगे।
उसके बाद ट्रेन मैनेजर की 2 साल अगर आप सर्विस कर लेते हैं, गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर की 2 साल सर्विस कर लेते हैं, तो आप इंटरनल एग्जाम देकर स्टेशन कंट्रोलर यानी SC बन सकते हैं, स्टेशन कंट्रोलर बन सकते हैं बाय एग्जाम। स्टेशन कंट्रोलर से SC से 5 साल की सर्विस के बाद आप GDC या जो इंटरनल एग्जाम होते हैं GDC या LDC के एग्जाम को देकर AOM बन सकते हैं, जो कि 4800 पे ग्रेड की गैजेटेड जॉब होती है, ठीक है। ये एग्जाम देकर आप बन सकते हैं। डायरेक्टली प्रमोशन सिर्फ एक होगा पूरी लाइफ टाइम में, तो ये इसके प्रमोशन हो गए, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अब मैं सैलरी की बात करता हूं। यहां पर सबसे ज्यादा उत्सुकता यही होती है जानने की, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। लेवल 5 की जॉब है, इसका ग्रेड पे जो होता है वो 2800 का होता है। अगर मैं बेसिक पे की बात करता हूं तो ये 29200 है। डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% होता है, तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर डियरनेस अलाउंस कितना है 18980, तो ये इसके 50% से तो काफी ज्यादा है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये डियरनेस अलाउंस इतना क्यों लिखा है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए होता क्या है कि जब आप रनिंग स्टाफ होते हैं तो आपको पर किलोमीटर का कुछ पैसा मिलता है, जो कि आपके बेसिक के लगभग लगभग 30% ज्यादा इंक्रीज कर देता है बेसिक का। तो ये जो बेसिक है 29,200, इसका 30% इंक्लूड करने के बाद उसका 50% निकालकर ये आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा यानी महंगाई भत्ता मिलेगा, अगर आप गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर में सिलेक्ट होते हैं। HRA X सिटी में है तो आपको इतना HRA मिलेगा, Y सिटी में है तो ये मिलेगा, और Z क्लास सिटी में है तो ये मिलेगा। Z क्लास सिटी में इसकी पोस्टिंग होने के चांसेस बड़े कम रहते हैं, ना के बराबर। ट्रेन अलाउंस आपको मिलेगा 5400 रुपए, Y और Z सिटी में आपको सिर्फ 2700 रुपए मिलेगा। अब देखिएगा किलोमीटर अलाउंस क्या है। देखिए नॉर्मली यहां पर ऑन एन एवरेज आपको पता दिया गया कि एक महीने में कम से कम 3000 किलोमीटर ट्रेन के साथ आप चलेंगे, कम से कम, ये ऑन एन एवरेज है, अमूमन इससे ज्यादा ही होता है। तो 1 किलोमीटर का आपको 4.70 पैसे यानी कि 4.70 रुपए मिलेगा 1 किलोमीटर का, तो इससे भी एक अच्छा अमाउंट बन जाता है 3000 के हिसाब से ये लिखा है। सेल अलाउंस यानी फोन का भत्ता मिलेगा। अब NDA भी आपको मिलेगा। NDA क्या है यानी कि इसका फुल फॉर्म शायद अभी मेरे दिमाग से भूल गया है। NDA भी आपको मिलता है, क्या है मुझे अभी दिमाग से भूल गया। और नेशनल हॉलीडे का अलाउंस भी आपको मिलेगा। नेशनल हॉलीडे यानी मान लीजिए 26 जनवरी 15 अगस्त कुछ पड़ गया, ठीक, तो उसका पैसा भी आपको मिलेगा 596 रुपए, ऑलमोस्ट 600 रुपए पर डे के हिसाब से। नेशनल हॉलीडे का भी पैसा आपको इसमें इस पोस्ट के लिए मिलेगा। आगे बात करें ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलेगा। देखिए पर किलोमीटर का पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ट्रेवलिंग अलाउंस 625 रुपए पर डे आपको मिलेगा पर डे। साथ ही साथ NPS डिटेक्शन जैसे जैसे होता है वैसे ही होगा कि गवर्नमेंट बेसिक प्लस DA का 10% जो NPS कटेगा वो आपका कटेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर अब सैलरी की बात कर लेते हैं कि किस सिटी में कितनी सैलरी बनेगी, ये पूरी सैलरी स्लिप का आपको डेटा है, ये सैलरी स्लिप है पूरी गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर के लिए। अब अगर मैं बात कर लेता हूं इन हैंड सैलरी क्या बनेगी, इन हैंड सैलरी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो एक्स सिटी में अगर आप हैं तो ग्रॉस सैलरी इतनी बनेगी, जबकि इन हैंड सैलरी इतनी बनेगी NPS कटने के बाद। वाई में है तो ग्रॉस सैलरी 72,000 पहली सैलरी 72,732 और इन हैंड सैलरी 67,914 और जेड क्लास सिटी में है तो आपकी सैलरी ये बनेगी। ये मिनिमम, मिनिमम का मतलब जो फर्स्ट सैलरी है, क्योंकि उसके बाद पैसा बढ़ता ही है, ठीक है, कम नहीं होता है, ये सैलरीज है। आगे की बात करते हैं लीव की, तो लीव और एवरेज पे पर जो लीव होगी वो आपको 30 साल भर में मिलेगी, हाफ एवरेज पे पर आपको 20 मिल जाएंगी, कैजुअल सीएल लीव आपको 10 पर मिलेगी। अच्छा इसमें एक चीज और फायदा है, इस गुड्स गार्ड यानी GG और TM जिसे आप दोनों कह सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अगर आप छुट्टी भी लेते हैं भाई साहब, ये छुट्टियां आप लेते भी हैं तो इसका भी पैसा आपका कटेगा नहीं, इस छुट्टी का भी पैसा आपको मिलेगा मिलेगा, लीव लेने के भी पैसे हैं। जो नेशनल हॉलीडे है उसका तो पैसा आपको है ही है, आपको बताया मैंने, ठीक है। कितने नेशनल हॉलीडे पड़ेंगे ये इसके स्टेट पे, डिवीजन पे और लोकल एरिया पे निर्भर करता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आपको एक काशीराम जी का जो है वो मिल जाएगा अवकाश, ठीक है। इस प्रकार से फैसिलिटीज के लिए आपको एंड स्क्रीन में एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे के एम्प्लॉयज को मिलने वाली फैसिलिटीज क्या है। जैसे चाइल्ड एजुकेशन के लिए कितना है, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए कितना है, आने जाने के लिए कितना है, कितने पास मिलते हैं, कितने PTA मिलते हैं, ये सारी चीजें ये आपको उस वीडियो में जो एंड स्क्रीन में आपको मिलेगा रेलवे में दी जाने वाली सुविधाओं के नाम से, वहां पर आप देख सकते हैं। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है, सैलरी बहुत बढ़िया बनती है, पोस्टिंग हमेशा शहर में ही रहेगी, ट्रेन के साथ ट्रेन एक शहर से अगर दूसरे शहर में जाएगी तो उसमें रहेगी।
आपस में इन्होंने यूनिटी बहुत होती है और ये सेकेंड एसी का पास भी प्राप्त करता है। डिसएडवांटेज क्या है कि फिक्स ऑफिस नहीं है, वही टीन का डब्बा आपका ऑफिस है, गर्मी हो या सर्दी आपको वहीं पे रहना है। आप स्टाफ से उतर कर जमीन पे आकर ट्रेन में वहां बैठ कर वो काम नहीं कर सकते, आपको उसी ट्रेन में रहना है। परमानेंट ट्रैवलिंग जॉब है, परमानेंट चलना है, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, दिन या रात कभी भी ड्यूटी लग सकती है। फिजिकल स्ट्रेस यानी शारीरिक थकावट बहुत रहती है, घर से दूर रहना पड़ता है, ये तो सभी जगह है, चाहे आप प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, घर से दूर कमाना है, पेट लगा है, भरना है, भाड़ा देना है, तो घर से दूर रहना ही पड़ता है। अकेले काम करना होता है, मतलब आप अगर उस केबिन में हैं तो आप अकेले हैं, उसमें काम आपको अकेले ही करना पड़ेगा, इसमें कोई आपको सहयोगी नहीं पड़ेगा, ये आपका हमेशा वो रहता है। और इसमें लाइट की कोई व्यवस्था नहीं होती। आगे आने वाले समय में जैसे जैसे रेल मंत्रालय अपने आप को अपडेट कर रहा है, तो इन सब चीज़ों में भी एसी कूलर वगैरह कुछ ना कुछ होने की संभावनाएं हैं पक्का। एक और डिसएडवांटेज होता है कि 4200 ग्रेड बे के बाद बिना एग्जाम दिए कोई प्रमोशन नहीं होता, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, चलिए फीमेल के लिए बहुत, अगर ज़्यादा मैं बोलूँ जिसके यहाँ बहुत दिक्कत है वो जॉब कर सकता है, बाकी फीमेल के लिए बहुत कठिन जॉब है ये, तो फीमेल को मेरे ख्याल से इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आप घर से दूर रह सकते हैं, पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक, वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, और अगर आपका कोई प्रश्न बच जाता है इसके बावजूद तो कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।